तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग आए हैं जबलपुर, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम है SSC GT का, तो वो एग्ज़ाम है 2:30 बजे। तो हम लोग स्टेशन पे आ गए करीब सुबह से 8 बजे। तो अब कुछ नहीं, बैठे हैं और बहुत देर ही आए हुए, तो आप ब्लॉग में बने रहना, मैं आपकी तरफ। चलिए गाइस हम लोग बैठे हैं अभी स्टेशन पे ही, तो कुछ देर के बाद निकलेंगे और एक ट्रेन खड़ी है। और विशाल बिल्कुल हम लोग आ गए हैं कॉम्प्लेक्स से फ्रेश होके। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी हम लोग स्टेशन पे हैं, तो आप ब्लॉग में बने रहना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता रहूँगा। और जहाँ एग्ज़ाम है वहाँ भी मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा। और किस किस का SSC GD का एग्ज़ाम है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग सीधे पहले रूम से निकले थे और फिर उसके बाद शादी में गए। तो बस वहाँ शादी में करीब 12 बजे के बाद हम लोग आए जबलपुर, तो वहाँ इंजॉय किया और फिर आ गए सीधे से। और अब हम लोग जाने वाले एग्ज़ाम देने, तो आप ब्लॉग में बने रहना, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता रहूँगा। और गाइस शादी में बहुत ही खतरनाक चीज़ हुई थी, लेकिन कुछ नहीं कह सकता, तो आप ब्लॉग में बने रहना। कुछ ही देर में हम लोग निकलने वाले हैं, अपने मैंने टांग लिया अपना बैग, तो अब हम लोग जाने वाले हैं जहाँ एग्ज़ाम है वहाँ। तो थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं, तो अब हम लोग चलने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम लोग अब बस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने ही वाले हैं, कि थोड़ी देर में बस निकलने वाले हैं, तो फिर देखेंगे ऑटो वगैरह और फिर जाएंगे कॉलेज जहां हमारा एग्ज़ाम होना है। जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर ही लेना है, तो बढ़िया जाते हैं। तो गाइस ये है एस्केलेटर, विशाल ने तो कभी देखा नहीं होगा। तो विशाल एस्केलेटर के मजे, विशाल को बहुत ज्यादा जल्दी गाइस। देखो गाइस रेलवे स्टेशन से हम लोग आ गए हैं बाहर, और हमने अपने शुभारंभ जबलपुर में रख दिए हैं। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तो चलिए चलते हैं। तो अभी है रेलवे स्टेशन के बाहर का सुंदर सुंदर नज़ारा, ये है। तो गाइस रेलवे स्टेशन के बाहर है, क्योंकि तो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। और ये भी आगे, हम लोग थोड़े पीछे साइड से आए हैं, ये आगे का नज़ारा आप देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं बढ़िया शानदार, लेकिन सही है। तो गाइस रेलगाड़ी का एक डिब्बा ये है, तभी तो सोच रहा है कि डिब्बे कम क्यों होते जा रहे हैं, एक डिब्बे यहाँ एक डिब्बे वहाँ, ऐसे में कम होते जाएंगे का। तो विशाल इसकी तहकीकात करने डिब्बे की जानकारी, निर्माण वर्ष 1994। तो गाइस ये है जबलपुर की स्टेशन का बाहर का नज़ारा, जो कि बहुत बढ़िया है। और ये गाइस बहुत सारी कार, तो गाइस विशाल कह रहा है नज़ारा वहाँ का दिखाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये है जबलपुर स्टेशन, रेलवे स्टेशन की साइड में एक वो होटल खुली है ना, वो स्टेशन नहीं है, होटल है, होटल मेरी जान होटल है। तो गाइस रास्ते के बीच में बहुत ही शानदार चीज है ना, जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, जो कि हिरण है। और बीच में शोकेस बहुत ही बढ़िया है यार, ये रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना जबलपुर में ये देखा है। गाइस
यहाँ ऑटो ही ऑटो, बड़ी तादाद में ऑटो ही ऑटो। ऑटो में हम लोग को ठग लिया बहुत ज्यादा ठग लिया भाई, ऑटो में हम लोग को जबलपुर में ठग लिया बहुत ज्यादा। हम लोग को जानकारी नहीं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि इतने किलोमीटर इतने किलोमीटर से उसने 40 रुपए ले लिए वहां ले लिए तो गाइस आप ब्लॉग में बने रहना, आपको एक एक चीज दिखाऊं, एक एक चीज। लोग पहुंच गए हैं ग्लोबल कॉलेज जहां हमारा एग्जाम है जबलपुर के, आप देख सकते हैं पीछे ग्लोबल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है। हम लोग आ गए फाइनली, विशाल भी आ गया और हम लोग बहुत जल्दी टाइम से पहले आ गए। तो आप ब्लॉग में बने रहना, आपको मैं दिखाता हूँ। अरे देख तो अभी तो कह जाए हैं यहाँ बच्चा आने तो सही, यहाँ बहुत सारी आने दूध दे भाई भर भर कर। तो गाइस ये बैठे हाथी तो दूर ज़्यादा है, तो 5 किलोमीटर दूर है। दूर है दिल अपन का कर रहे हैं वैसे हैं। वेट करते हैं तो आओ आगे देख के दोबारा कहा देख कर इनका क्यों इन 8 बार ग्लोबल ग्लोबल कहाँ और कहाँ जाने और ग्लोबल जाने और ग्लोबल में जाने तो सही है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और उसी भीड़ में हमारा विशाल शामिल हो गया। एक और भीड़ है बढ़ाने में सहयोग योगदान। तो दोस्तों हमारा दोस्त बाजियों में अंगड़ाई मंगड़ाई लेते हुए देखिए पेपर लेने कितनी कसरीले तरीके से आया। 2:30 बजे पेपर फोर हो गए। ब्लॉग में बने रहना और गाइस ये फिल्टर नहीं लगा है, नॉर्मल कैमरा है वरना वो लोग फिल्टर है, बिना फिल्टर है नॉर्मल। अरे हम लोग गोरी कड़े जा रहे सागर में रह के। पेपर देखे आ जाते हैं वापस से स्टेशन पे, तो हम लोग जाने लगते हैं फिर वापस से अपने सागर। तो हम लोग कुछ ही घंटों के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने सागर वापस। तो ब्लॉग का एंड होता है यही, तब तक के लिए बाय बाय।